रही है। यहाँ देख छोटे छोटे बच्चों को जरा दिखाइए, ये छोटे छोटे बच्चे हैं। हाँ, अब इधर देखिए, इधर जमीन पे देखिए, ये लेटे हुए हैं। यहाँ देखिए, ये बगल में देखिए सोए हुए हैं, अब ये लेटे हैं। इधर देखिए झाड़ झंखार है, इधर से जरा से दिखा दीजिए, आपको कैमरामैन साथी कहेंगे इधर से थोड़ा सा नीचे से जाके। ये देखिए झंखार, झाड़ झंखार है। देखिए इधर से कोई भी जंगली जानवर इधर से हमला कर सकता है, इधर से आया होगा, इधर से भी आ सकता है। देखिए उसके अगल बगल धान के खेत है। नमस्कार, भारत कवरेज न्यूज के लिए मैं विभास यादव आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, पूर्वांचल में घटना घट रही थी, बहराइच बलरामपुर गोड़ा में जंगली जानवरों का आतंक था। अभी वहां की घटना शांत नहीं हुई थी कि अब यह घटना जो है भदोही जनपद में भी दस्तक दे दी है। यहां जो है एक गांव में बीती रात कोई जंगली जानवर बनवासी बस्ती में पहुंचकर एक 5 महीने की बच्ची को, 5 साल नहीं 5 महीने की बच्ची को उठा ले गया। उसकी मां सोई हुई थी बगल में। जब से ये घटना हुई है गांव में दहशत का माहौल है, अगल बगल गांव में भी दहशत का माहौल है। प्रशासन सतर्क हुआ है, वन विभाग की टीम लगाई गई है। वन विभाग के लोग रात में पूरा सर्च ऑपरेशन चलाया था, ढूंढने का प्रयास किया। पुलिस टीम भी लगातार गांव में बनी हुई है। तो जिसके से यहाँ घटना हुई है, ये विजयी जो है, विजयी बनवासी है, ये यही घर है। कहाँ बच्ची सोई थी विजयी? ये लोग यही सोए थे। अच्छा, आप कहाँ सोए थे? क्या नाम है, पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम राजकुमार है। राजकुमार तुम्हारा नाम है? अच्छा, तो कहाँ सोई रही लड़की तुम्हारे? लड़की हमारे सुती रहे। अच्छा, का नाम रहा लड़की तुहरे? प्रीति। प्रीति कई महीने का रही? 5 महीने का। 5 महीने का रही। तो यही तो सब सोवर है? हाँ, हम सब सुता रहे। तो कैसे, कब पता पाया तू? वो जब नींद खुला तब। नींद कब खुली? वो 1 बजे रात। 1 बजे रात। तो 1 बजे रात खुली तो देखे बच्ची ना रही? नहीं रहे। तो कहाँ बच्ची कब हेरत गए? हेरत गए हम सब, एक हेर के उधर से आवत गए तो पावत गए उधर। कितना दूरी से? 50 मीटर। 50 मीटर से। बताते हैं कि बच्ची का हाथ होंद भी जो है गायब है, पूरी तरह जो है उसका जो है पूरा शव को छत बिछत कर दिया गया है। कौन है उसकी माँ? कौन है तुम उसकी माँ हो? प्रीति की का नाम हो तुहार? संतरा। कहाँ, मतलब आप सोई थी कहाँ बच्ची थी? हमारे बच्ची लेके सुती रहे, से पता नहीं कजनी के उठाए लेंगे। कजनी के उठा लेंगे, जानवर उठा लेंगे? हाँ, वह जानवर उठा लेंगे। कई लड़कियां हैं तोरे? 7-8। और लड़के बड़ा बड़ा हैं? हाँ, कितना बड़े हुआ है। अच्छा, तो डर ना लगा तो आपकी रात बिरात फिर आए सके जानवर? हाँ, आए तो सखा था, डर तो लग भाई कह रहे, अब दिल्ली के दिला हैं, डर लग भाई कह रहे। डर लगा था? हाँ। रात में जागत है तू? सब रखावत है? हाँ, दिखा थे ने, आओ थे ने घरा, कल यही आई रहन खेदे रहन बहुत। कल फिर आए रहा जानवर? हाँ। परो रात घटना रही? ना है। परो रही ना, परो हाँ। उठाए रही ना, तो कल फिर का जानवर दिखा कर रहा का? हाँ, दिखा रहा। कौन जानवर हो सकत है? अब पता ना, सियार है का है? सियार या तो दुआ दुआ तो ना हो? वही हो भाई कह रहे। अच्छा, करे पहले भी कभी जानवर को ना आवत है ना? अच्छा, तो ये छोट छोट बच्चे देखिए, दिखा दीजिए कैमरा मैन साथी कहेंगे। देखिए ये जो है, ये बनवासी बस्ती है। बनवासी बस्तियों का हाल ये है कि अभी सरकार की बहुत ढेर सारी योजना है, लेकिन अभी भी यहाँ सुविधाओं का अभाव नहीं रहता है, मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहते हैं। पहली बात तो शिक्षा से वंचित रहते हैं। अच्छा, ये जंगली जानवर वहाँ ज्यादा अटैक करते हैं जहाँ इनको लगता है कि सेफ जोन है। देखेंगे यहाँ अगल बगल कुछ नहीं, और दौर में है, लोग पक्के मकान में बच्चों को सुरक्षित रखते हैं, लेकिन यहाँ जो है, अब ये देखिए यही घर है इनका, यही बगल में। ये कौन सा गांव है? कौन सा गांव है? खुशियाल है। चक खुशियाल गांव है जो है, भदोही जनपद का है, सूर्यामा थाना क्षेत्र का है ना, ग्राम सभा है, ग्राम पंचायत अबरना है। हाँ, देखिए इस गांव में दहशत है, डरे हुए हैं। बेटा कहाँ आपके घर है बगल में? हा? क्या नाम है आपका? शिवम। शिवम जी, आप देखने आए हैं, कल से सुने हैं, डर लग रहा है? जानवर का डर लग रहा है आपको? हा? जब से सुने हैं? हा? डर लगता है? देखिए छोटे बच्चे हैं, डर लग रहा है। आपका क्या नाम है बोलिए? बोलिए। देखिए कहीं ना कहीं बच्चों में भी डर है, भय है। देखिए कुछ यहाँ के जानकार लोग हैं, गांव के हैं। क्या नाम है सर आपका? राकेश यादव।
राकेश जी एक चीज इधर थोड़ा सा आइए, राकेश जी एक चीज बताइए, आप गांव के हैं, कैसे घटना घटी, क्या थी? रात में लोग यहां पे खा पी के सोए थे और सुबह में रात लगभग 10-11 बजा होगा, लगभग 12-11.30 के आसपास थे और इन लोगों को नींद आ गई और कोई जंगली जानवर आया और वो बच्ची को बगल से उठा ले गया। अच्छा। और इन लोगों को नींद में होने के कारण पता नहीं चला। अच्छा। और बाद में जब जगे तो फिर खोजने लगे और देख नहीं पाए। देखने के बाद फिर कोई इधर उधर खोजे बहुत दूर तक लाइट वाइट लेके, फिर बाद में इनको बच्ची का बॉडी मिली। बॉडी पूरा इतना मुंह के साइड का इतना हिस्सा, पूरा गला और इतना पेट का और एक हाथ पूरा जंगली जानवर खा गया था और मृत हालत में बच्ची बहुत ही छत बिछत अवस्था में सब देख के मतलब मन विचलित कर देने वाली बात थी, बहुत ही दुखद। अच्छा, इसके इस घटना के बाद अगल बगल के गांव आपके गांव में तो बड़ा दहशत का माहौल हो गया। तो बहुत दहशत, सब वही बहराइच में भेड़िया वाला जो मामला है उसको लेके सब उसको जोड़ रहे हैं कि शायद यहाँ भी भेड़िया आ गया। लेकिन जानवर देखा नहीं गया तो फिर कुछ भी हो सकता है। अब स्थिति बहुत ही, चाहे वो सियार ही हो, चाहे लकड़बग्घा भी हो, चाहे तेंदुआ भी हो, चाहे जो हो, लेकिन किसी ने देखा नहीं तो तेंदुआ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो देखे नहीं गए हैं, अब अंदाजा ही लोग लगा रहे हैं कि तेंदुआ था, सियार था या भेड़िया था, लकड़बग्घा कुछ भी। लेकिन दहशत तो है, दहशत सभी रात में जगे हैं और वन विभाग के लोग आए थे रात में यहाँ पे, सर्च ऑपरेशन किए और पूरी रात वो घूम रहे थे। अच्छा। हमारे यहाँ हम उनको कुर्सी उर्सी दिए थे, बैठे थे, पूरी रात लोग थे और बोल के गए कि सुबह में फिर आएंगे। अच्छा। रात में शाम को। अच्छा, शाम को फिर आएंगे। जिलाधिकारी सक्रिय है? बिल्कुल, प्रशासन सक्रिय हुआ है इस घटना के बाद, प्रशासन सक्रिय हुआ है। थाने से भी लोग आए थे, सुबह में आए, पोस्टमार्टम हुआ, बच्ची का वो ले गए यहाँ से और प्रशासन सक्रिय है। लेकिन अब जो होना था वो हो चुका है, लोग डरे हुए हैं, तो ये तो है। डीएम क्या नाम है? विशाल सिंह। देखिए, जिलाधिकारी विशाल सिंह, जो भदोही के जिलाधिकारी विशाल सिंह हैं, जैसे उनको घटना की जानकारी मिलती है वो तुरंत जो है सक्रिय हो जाते हैं और अपने एक वन विभाग की टीम गठित करते हैं, पुलिस टीम को तैयार कर देते हैं कि माहौल इस तरह ना हो कि लोगों के अंदर और इस तरह कोई और घटना हो जाए तो और दहशत बन जाए। क्योंकि जिस तरह बहराइच में तेंदुआ या जंगली जानवर का आतंक था, ये खबरों की सुर्खियां थी, सोशल मीडिया पे भी चल रहा था। ये भदोही जनपद में मेरी यहाँ मौजूदगी है, ये वही अरबना की अबरना की यही वो वनवासी बस्ती है जहां से कल एक 5 माह की बच्ची को किसी जंगली जानवर ने अपना शिकार बना दिया। उसके बाद से शासन प्रशासन अलर्ट मोड में है। जिलाधिकारी के निर्देश पर वन विभाग की 4 टीमें गठित की गई हैं। लोग अगल बगल गांव में सर्च भी करते रहे। हम कैमरा मैन साथी से कहेंगे थोड़ा सा बगल दिखा दीजिएगा, ये देखिए ये है, ये वनवासी बस्ती है और ये इस तरफ जो है ले जाके कहीं जाके यहाँ तब उसका जो है छत बिछत सब मिला। इस घटना के बाद कहीं न कहीं जो है अगल बगल के गांवों में भी एक दहशत का माहौल है, लोग डर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के अंदर भी डर है। एक बच्चे से हमारी बात हुई, बोला कि डर तो लगता ही है। और ये गांव के हैं, ये बता रहे हैं कि शासन प्रशासन सक्रिय है लेकिन जब देखा नहीं गया है तो इससे डर तो बना ही है। ये मेरी खबर जो है लोगों को सावधान करेगी, आप लोग सतर्क रहिए। हमारा मकसद दहशत फैलाना नहीं है, हमारा मकसद है लोगों को जागरूक करना। आप जागरूक होइए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, ध्यान दीजिए, शासन प्रशासन की मदद करिए। इस तरह का कहीं कोई जंगली जानवर दिखता है तो आप लोग जो है शासन प्रशासन को बताइए। अच्छा, ये चीज बताइए, बताते हैं कि बगल के गांव में नीलगाय का बच्चे को भी इस तरह का, कल इस घटना से एक दिन पहले की बात है और बगल यहां से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर हरिहरपुर गाँव है, तो वहां पे एक नीलगाय के बच्चे को किसी जानवरों द्वारा, वहां भी देखा नहीं गया लेकिन किसी जानवर द्वारा, छोटा बच्चा था नीलगाय का, उसको काट डाला गया और वो मर गया और उसका आधा मतलब खा गए थे जानवर। तो एक दिन पहले की वहां घटना हुई थी और दूसरे दिन रात को यहाँ हो गई है, तो इससे लोगों में वास्तव में पूरे क्षेत्र में दहशत है और चर्चा का विषय बना हुआ है। बिल्कुल। तो ये बताएं, तो ये प्रशासन शासन जब से सक्रिय हुआ है तो कुछ आप लोगों का जगी है कि पकड़ा जाएगा, फिर क्या है साहब? नहीं, बिल्कुल उम्मीद तो है, लगे हैं, 5-6 लोग रात में पूरे सर्च किए हैं और यहाँ पे लग रहा है कि प्रयास तो कर रहे हैं। लेकिन अब जंगली जानवर है, इस तरह से धान चारों तरफ खेत आप देख ही रहे हैं, तो यहाँ पे इतना आसान भी नहीं है उसको पकड़ा जाना, लेकिन फिर भी प्रशासन प्रयास कर रहा है।
अच्छा, इसके पहले कभी आपको जानकारी है कि आपके अगल बगल गांव में या कोई जंगली जानवर से बच्चे को उठाए? बहुत पहले सुनने में मिलता था सियार ले गए बच्चों को, तो बहुत 50 साल पहले की घटना रही होगी। नहीं सर, ऐसा तो पिछले काफी जब से हम जानने लायक हुए हैं इस तरह की कोई वारदात नहीं हुई थी। ये मतलब इस तरह का अपने आप में पहला है और इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। जानवर तो खैर दिखते थे, सियार वार तो अमूमन दिखते ही रहते हैं, लेकिन बच्चों पे, लेकिन ऐसा अटैक कभी नहीं हुआ। अब गर्मी के सीजन में तो सियार मतलब मशीन, हमारे घर पे मशीन है, पानी चलता है तो वहाँ पे पानी नाली में इकट्ठा रहता, वहाँ आ जाते थे। लेकिन अब ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन अब कैसे हो गया भगवान जाने, दुर्भाग्य है बहुत। देखिए कैमरा मैन साथी से कहेंगे थोड़ा सी ये जगह दिखाइए, ये स्पॉट दिखाइए, ये यही यही स्पॉट है, ये देखिए, ये इधर से दिखाइए थोड़ा सा, ये इनका, ये देखिए, ये जो है विजयी वनवासी है, इन्हीं का आवास है। देखिए अमूमन मैंने कहा ना, कभी भी मूलभूत सुविधाओं से ये बिरादरी जो है वंचित है। आप देखेंगे देश की दशा को, काहे जितना भी कह दीजिए देश सुधर गया है, सरकार कितनी भी योजनाओं का लाभ दे, आवास बनवाती है रहने के लिए, लेकिन व्यवस्था यही है। देखिए ये व्यवस्था दिख रहा है, अब ये तो नहीं लगता कि सरकारी आवास है, यहाँ सरकारी आवास बने नहीं है। अच्छा, सरकारी आवास इनको नहीं मिले। अच्छा, सबसे बड़ी चीज है कि देखिए ये सब, देखिए जमीन पे लेटी हुई बच्ची दिख रही है, यहाँ देखिए छोटे छोटे बच्चों को जरा दिखाइए, ये छोटे छोटे बच्चे हैं। अब इधर देखिए, इधर जमीन पे देखिए ये लेटे हुए हैं, यहाँ देखिए ये बगल में देखिए सोए हुए हैं, अब ये लेटे हैं। इधर देखिए झाड़ झंखार है, इधर से जरा से दिखा दीजिए, आपको कैमरामैन साथी कहेंगे इधर से थोड़ा सा नीचे से जाके, ये देखिए झंखार, झाड़ झंखार है। देखिए इधर से कोई भी जंगली जानवर इधर से हमला कर सकता है, इधर से आया होगा, इधर से भी आ सकता है। देखिए उसके अगल बगल धान के खेत हैं, जो जंगली जानवर हो उनको भी एक हमला करने का चांस मिल जाता है। बस्ती में छोटे छोटे बच्चे भी हैं, ये बच्चे देखिए अगल बगल देखिए यहाँ नहा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से ऐसे उनको कुछ मिलता है जंगली जानवरों को, तो उसी जगह अटैक करते हैं। तो मैं जो है ये भदोही जनपद में लगातार आपको खबर दिखा रहा हूँ, ये बहुत बड़ी घटना हुई है। पहली बार ये बहराइच की घटना को छोड़ दें तो पूर्वांचल में ये पहली घटना इधर हुई है, जो है भदोही जनपद की एक घटना है, जहां एक 5 माह की बच्ची को जो है जंगली जानवर ने अपना शिकार बना लिया। उसके बाद से शासन प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया, वन विभाग की टीम, मैंने पहले भी बताया कि वन विभाग की टीम जो है बना दी गई है, स्थानीय भदोही जनपद के जो सुरियावा थाना क्षेत्र है उसकी पुलिस भी रात में यहाँ गश्त कर रही है। लेकिन लोगों में कहीं ना कहीं डर है। अभी मैंने एक छोटे बच्चे से बात किया तो उसने भी बताया कि उसको कहीं ना कहीं से डर है। तो क्या लगता है भाई साहब, आप थोड़ा सा बताइए, अभी ये लोग तो बता नहीं, भैया ये बताइए कोई कोई आया था मिलने आप लोगों से रात में? नहीं, मान ली घटना के बाद कौन आया था? घटना के बाद आया था, हम तो नहीं रहते, चला गया रहे हम तो। हाँ, तू नहीं रहे? हम सवेरे नहीं रहे। पुलिस वाले कुछ आए थे मिलने आपसे? हाँ, अपने साथ। अच्छा, कुछ कहे थे? वो बॉडी लेते समय पोस्टमार्टम वगैरह ले गए होंगे ना? हाँ, पोस्टमार्टम के लिए गया था। तो कुछ कह रहे थे? कह रहा था कि जाओ तू करे बिहान भी चला जाओ थाना में। अच्छा, तब आज फिर प्रधान उधान गाँव के आए थे? हाँ, प्रधान आया था। अच्छा, प्रधान आए थे तो तुम्हें कोई मिलने आया था आपसे? तुमसे मिले आ रहा क्यों, अधिकारी अधिकारी? हाँ, आए रहे साहब, चला गए कहीं रे। हाँ, जाता ही अब फिर कोनो था हो तो बताया जाए। अच्छा, कुछ मदद उधर कुछ लोगों ने किया आपको? अब ना सुनाता है मदद, अब देख भगवान। कोई पैसे से या कुछ से आपको मदद किया, आर्थिक मदद दिया कोई? अब कुछ नहीं। काम का करते हैं आप लोग? हम सब घर वही रहते, नहीं रहते भट्टा पे। अच्छा, वो भट्टा पे रहते हैं आप लोग, घर पे ही रहते हैं? हाँ, घर। देखिए मजदूरी, बच्चा बहन बताओ तू कहा इनका लगबू भाई? ये ननद है तुहार? तू ननद हूँ? हाँ। तो हम यही रहू? हम घरे से आओ। घरे से आऊ है? तब यहाँ अपन लड़के लेके आई हूँ। हाँ, आई है बिटिया। डर ना लगाता है यहाँ लड़के से? लगाता है, डराए तो रात भर बैठी रहे। रात भर बैठी रहा तू? तू अपने घरे से चली आऊ, यहाँ तो जानवर निकला जंगली, तू अपने घरे से चली आऊ अपन लड़के लेके। फोन गा रहा चलिया। अच्छा, जब घटना था दुख सुने पे आए तो डर लगा था? हाँ, कल आई है जहाँ बिस्तरा लगा वही बैठा रहा। कल फिर आए तब रात भर लेके हम समझे से बैठ पर सबेर कह दिया। अच्छा, रतिया पर बैठी रहू? हाँ, यानी पर घटना है, कल फिर आ रहा? हाँ, कल आई है यही बैठा रहा, जागो घरों में हेरत रहा, फटकी दे रहा तब। अच्छा अच्छा, तू जोन वन विभाग की टीम आए रहे, वो सब पकड़े आए? कहाँ रहे वन विभाग वाले?
सब घेर नहीं पाए। अच्छा घेर नहीं पाए नहीं काजन के हरासन बिट्टी तो का डर लगा था। हाँ सोवत हो कि नहीं तू रात में मनाई किए बैठी रहत अगर ती अब बैठी रहत हूँ। हाँ बैठा रहत हैं सब सोवत हो नहीं रात भर जागा तू डर लगा था। हाँ का कि जानवर खा जाए तो हाँ बहन रही तोरे बहन खाई गए तो डर लगा था। हाँ। देखिए कहीं न कहीं ये बच्चों में और इसमें सबसे डर है तो देखिए इधर थोड़ा सा ये भाई साहब लास्ट में। अच्छा एक चीज ये बताइए तो कल फिर ये बता रहे हैं ये लोग जानवर आए। हाँ शाम को ही सियार शाम को आए थे। अच्छा तो वन विभाग वाले थे वो सब लाइट वाइट लेके आए दौड़ाए थे उसको। हाँ। लेकिन वो भाग गया। हाँ। रात का टाइम था उतना आप देख ही रहे हैं कि हाँ। दौड़ा के वैसे पकड़ने लायक जैसा था नहीं। हाँ। लेकिन रात में सियार आए थे यानी कहीं कहीं ये आदमखोर टाइप का हो गया। हाँ वही वही वो लगभग सियार ही है लेकिन आदमखोर हो गया। आदमखोर हो गया है। देखिए कहीं ना कहीं जब ये जंगली जानवर होते हैं चाहे वो तेंदुआ हो चाहे बताते हैं लकड़बग्घा हो चाहे ये आपका सियार हो जब ये आदमखोर हो जाते हैं तो ये जो है फिर जो है हमला बोलने की फिराक में रहते हैं। बताते हैं परसों की घटना है कल भी आए थे और अब देखिए अभी तो वन विभाग के हाथों में कुछ लगा नहीं है लेकिन कुल मिला जुला के अगल बगल के गांवों में दहशत है। अभी ये तो मुसहर वनवासी बस्ती के लोग बता रहे हैं दहशत है। ये बगल के गांव बगल का बच्चा है जो है यादव का बच्चा है ये पड़ोसी है जब ये कह रहा है कि डर लग रहा है इनके यहाँ सुविधाएं हैं तो कहीं ना कहीं से अगल बगल के गाँवों में एक दहशत का माहौल है। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार जय हिंद जय भारत।